इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। आप तमाम नाजरीन का एमके न्यूज़ में खैर मकदम है। नाजरीन, बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई बड़ी खबर हमारे सामने आती है तो उसे पढ़ने और सुनाने के लिए बेहद अफसोस होता है, क्योंकि आजकल का जो माहौल और माशरा जायदाद और पैसों की वजह से सगे भाई बहनों के कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात में मुलव्वस हो रहे हैं, इसे सुनने देखने के बाद हमारे अंदर की इंसानियत को जोड़ना ज़रूरी होता है। बहरहाल, इस तरीके के बदतरीन वाक़यात पेश आ चुके हैं जो सिर्फ सफ़ात के अंदर ही लिखे गए, लेकिन उन्हें कोई तारीख के हिसाब से सही तरीके से कानूनी कार्रवाई करते हुए सख्त सज़ा नहीं दी गई है। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के पुराने शहर काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि 30-35 साल जहनी तवाज़ुन से बीमार खातून, जिनका नाम वहीदा बेगम बताया गया है, वहीदा बेगम अपने दो भाई की एक ही सगी बहन थी जो दिमागी माजूर थी। दोनों सगे भाई देखभाल किया करते थे। बिलाआखिर वहीदा बेगम के छोटे भाई की नीयत वालिद की प्रॉपर्टी और पेंशन पर ख़राब हो गई। छोटे भाई की नीयत ख़राब होने पर जो वहीदा बेगम जो अपने बड़े भाई के पास रहा करते थे, वहीदा बेगम को अपने पास 8-10 दिन के लिए रखने के लिए बुलवा लिया। उसके बाद अपनी भावच को इतला दी कि वहीदा का इंतकाल हो गया। जब मैयत को गुसल दिया जा रहा था तो बावच की नज़र पड़ी कि वहीदा के गले पर फांसी के निशाना थे। उसी दौरान इन्होंने तमाम मंजर को अपने फ़ोन में कैद करते हुए मुतालिका पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवा दी। काला पत्थर पुलिस ने मुकामी कब्रिस्तान में जहां वहीदा बेगम की तदफीन अमल में लाई गई थी, वहां से उस डेड बॉडी को निकाल कर पोस्टमार्टम करवाया। नाजरीन, मामूली से 50 गज के टुकड़े के लिए और महाना पेंशन की वजह से एक जहनी तवाजुन बहन को मार देना ये भाई नहीं बल्कि एक जल्लाद ही हो सकता है। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रऊफ की ये रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीदा बेगम है जिसकी डेथ हुई, जिसकी मेरी ननन थी जिसकी डेथ हुई, उसका नाम वहीदा बेगम है। मैं आयशा बेगम, मैं जलपल्ली में रहती हूँ। बच्ची हैंडीकैप की थी, मैं लाके छोड़ी थी 8 दिन के वास्ते। 15 तारीख को लाके छोड़ी बच्ची को, 8-10 दिन के वास्ते रखो बोल के लाके छोड़ी। मैं छोड़े तो मेरे को 28 तारीख को या 29 को फ़ोन आया मेरे को कि बच्ची, 6:30 को फ़ोन आया बच्ची की डेथ हुई बोल के। मैं गई कपड़े पिनाई, मेरे को नहीं मालूम हुआ, मेरे को मेरे नंदोई से मालूम हुआ, हमारे शहर को आया था फोन। देवर के पास ले जाके छोड़े थे। तो 6:30 को फ़ोन आया था बच्ची की डेथ हुई बोल के। जाके मैं कपड़े पिनाई करी, नहीं दिखा, नहलाते सख्त फांसी का डोरी का निशान दिखा गले पे पूरा, फोटो लेके मैं सब करके पीएस में आके दूसरे दिन कंप्लेंट करी मैं। हाँ, फोटोज पूरा पीएस में, पूरे फोटो जो डोरी मिली पूरा गले पे निशान फोटो में है। आप कहाँ रहते थे? मैं जलपल्ली, काले पत्थर। आप शिकायत जब भी क्यों ना करे पुलिस में? मैं को कोई आगे बढ़ने नहीं दिए वहाँ, कोई सपोर्ट नहीं दिए थे मेरे को वहाँ पे, कोई सपोर्ट नहीं करे। जान दो हो गया बोले मेरे को, कोई भी आगे बढ़ने नहीं। पैसे के खातिर मारे हो पैसे? मैं बोली थी सूसरे का वजीफा बाप का वजीफा है, दोनों में आधे आधे दियो, बच्ची को भी होना पड़ता, दवाइयों को पेम्परों को बोल के लड़ी थी मैं। उन्हें शादीशुदा दो बच्चे हैं उनको। पेंशन कितना आता था वो नहीं मालूम हमको, आज तक हमने पूछे। तो जो जिसकी डेथ हुई तो हम हैंडीकैप थे। हाँ, हैंडीकैप थे। क्या थी उनकी? 40 के करीब थी। हाँ, जिसकी डेथ हुई। प्रॉपर्टी थी? नाम तो प्रॉपर्टी है, घर है, उनके वालिद का घर है। मरहूमा है उनके? उनके वालिद का घर है। कहाँ पर है? दक्कन बेकरी पीछे। प्रॉपर्टी मतलब घर था? घर जाती है वो, घर के वास्ते तो पेंशन के वास्ते छुआसो है ये बच्ची को मारे। घर में हिस्सा नहीं देना पड़ना, ये पेंशन नहीं देना बच्ची को बोल के मारे। भाया नहीं थे? दो भाया, एक मारे से वाले एक इनो, दो भाया। जो मारे से वाले कुछ भी काम नहीं करते, बाबा के वजीफे पे पेंशन पे रहते हैं। नहीं, पीना खाना कुछ भी नहीं है उनका। नहीं, पीना खाना गलत दोस्त कुछ भी नहीं है उनको। प्रॉपर्टी के चलते हाँ, उस पे डाउट है। किसके बहन से? उनके बहन से कुछ प्रॉब्लम थी क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, बस जो भी हुआ ये प्रॉपर्टी और पेंशन के पेंशन के चक्कर में हुआ सो है ये पेंशन। मोहम्मद अनवर मारने वाले वहीदा बेगम। ये कंप्लेंट कब करे? कल करे।
यहाँ पर अभी कब्रिस्तान में क्या करने है? पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। कल शाम में एक मैम रिटर्न कंप्लेंट लिया था, रिसीव कर लिया। कंप्लेंट का नाम मोहम्मद इसाक सनाफ इकबाल। परसों 28 के शाम में उसका सिस्टर इंतकाल हुआ था, उसके बारे में सस्पिशियस है बोल के एक दरखास्त दिया। वो सस्पिशियस भी उसका भाई और उसका भाई का मिसेस को ऊपर दिया। वो लोग माँ बाप को, 5 बच्चा है, 2 मर्द बच्चा, 3 औरत बच्ची है, और उसका अब्बा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10 ईयर से पहले रिटायर्ड हो गए। उसका माँ भी 10 साल से पहले मर गए थे। अब ये दोनों, छोटा भाई के पास अब्बा रहता, बड़े भाई के पास जो 35 ईयर्स वाहिदा बेगम बाय बर्थ फिजिकली हैंडिकैप्ड और मेंटली रिटायर्ड, ये दोनों के पास ऐसा ये रहता था। एक 15 दिन पहले 14/8/2022 उसका मिसेस, कंप्लेंट का मिसेस तबीयत अच्छा नहीं है तो उसका भाई के पास आके बहन को छोड़ दिया था। कल शाम में कोई रिश्तेदारों से मालूम हो गया आपका सिस्टर मर गया बोल के, आके देख लिया। जो भी दफन करने के बिफोर उसको पानी निलाने से टाइम पे उसका मिसेस देखे तो गला पे थोड़ा इंजुरी मास्क दे मार्क दिख रहा बोल के उसका हस्बैंड को बोला तो उन्हें फोटो खींचो बोल के फोटो ले लिया। उसके बाद इंतकाल हो गया यहाँ मस्जिद है हुसैनी कामाटीपुरा लिमिट्स में उसको दफन कर दिया था। उसके बाद कल शाम में उसको क्या हुआ कि आके कंप्लेंट दिया तो हम केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चल रहा। आज बहादुरपुरा तहसीलदार और टीम ऑफ डॉक्टर से यहाँ का इंक्वेस्ट कंडक्ट करा। कभी भी नहीं है, कल शाम में 6 बजे डायरेक्ट आ गए थे। लेडी शादी किया था? नहीं, दोनों मियां बीबी दोनों आए। जो विक्टिम का जो मर गए सो मरहूम का भाई बड़ा भाई इसाक और आयशा बेगम कंप्लेंट है। यस, नहीं इसाक कंप्लेंट है, उसके संगत उसका मिसेस है, दोनों भी डाउट सस्पिशियस इसके ऊपर हो रहा हूं। उसका भाई के ऊपर, उसका भाई का मिसेस, भाई बोले तो मोहम्मद अनवर, हां उसके ऊपर, उसका मिसेस का नाम कुछ है, दोनों के ऊपर। हां यस, राइट। जो मेडिकल रिपोर्ट आता है वो रिपोर्ट देखने के बाद जो भी फर्दर एक्शन जरूरत है तो वो एक्शन लेते हैं। बॉडी निकाले सर, उसके अंदर कुछ निशान दिखा? अभी रिपोर्ट हम डॉक्टर नहीं है ना, मेडिकल रिपोर्ट आता है।